धर्म के बारे में एक भी पैसे की जानकारी नहीं, वो राजनेता है ना या कि धर्म गुरु। धर्म गुरु का काम है धर्म पर चर्चा करना, वार्ता करना, राजनेताओं को यह काम नहीं है। लेकिन किसी को किसी ने भी अधिकार नहीं दिया किसी भी सनातन संस्कृति को गाली दे, किसी मजहब को गाली दे, किसी धर्म को ऊंचा नीचा छोटा बड़े कहे। दम होता उन नेताओं को तो अन्य समाज की कुरीति के बारे में चर्चा करके देख लेते, 72 टुकड़े उनके हो गए होते। लेकिन हम सनातन को मानने वाले हैं और भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रामचरितमानस में इसका वर्णन है। और जो जिस भाव से देखेगा उसको वही भाव उसमें मिलेगा। जिस प्रकार से एक नेता रामचरितमानस की जलाने की बात करता है, प्रतिबंध करने की बात करता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन जो लोग रामचरितमानस की बात करते हैं उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो राम का विरोध करता है, जो भगवान कृष्ण का विरोध करता है, जो रामायण का विरोध करता है, जो गीता का विरोध करता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से सरकार निपटे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह मानवता को शर्मसार करने वाले राजनेता हैं और मानव के लिए दानव के रूप में ये समाज में काम कर रहे हैं। सर्वी जातिवादी मानसिकता थोप कर लोगों पर और जाति को जाति से लड़ाकर बांटने की साजिश है और कुछ नहीं। पराजी फिर उनको आपसे डर लग रहा है स्वामी के साथ मौर्य को, कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए आपसे। नहीं देखिए, अगर हमसे डर होता तो अभी तक उनके 72 टुकड़े हो गए होते। दम होता इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दें। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा की किसी ने समर्थन किया, हम समर्थन नहीं करते, लेकिन साधारण गरीब आदमी जो एक सामान्य सा व्यक्ति है, कपड़ा काटकर अपने बच्चे का जीवन यापन करता है, ऐसे लोगों का सर कलम हो जाता है। वही देश है। हम सनातन को मानने के साथ साथ यह देश संविधान से चलता है और उसको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से सामाजिक आतंकवादी हैं, जो समाज को बांटने की साजिश करे, समाज में जो कुरीति फैलाए उसको हम आतंकवादी कहते हैं। उल्टे वो मेरे ऊपर आतंक का आरोप लगाते हैं, मुझसे डर नहीं लगता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो व्यक्ति भगवान राम को गाली दे, सनातन संस्कृति को गाली दे, जो पूरी सनातन परंपरा को सड़ी हुई जातिवादी बताए, सड़ी हुई बात कर दे, दुखद है, निंदनीय है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये राजू दास की निजी लड़ाई नहीं है कि राजू दास के ऊपर उसने हमला किया या राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। हमने हमला किया उनकी मानसिकता पर, उनकी जो ओची मानसिकता है उस पर राजू दास का हमला है, या ना कि राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया।